Rhapsody of Realities, आज थर्सडे 26 अगस्त 2021, Rhapsody of Realities, आज गुरुवार 26 अगस्त 2021, Rhapsody of Realities में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, दूसरा तिमोथी, सेकेंड तिमोथी 2 chapter 1 verse, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन, सेकेंड तिमोथी 2 chapter 1 verse, दूसरा तिमोथी उसकी पत्री 2 अध्याय 1 वचन। हम इस वचन के आधार से आज का विषय देखेंगे। आज टॉपिक है ट्रस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखो। ट्रस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर भरोसा रखो। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. और एक बार पढ़ेंगे, सेकेंड तिमोथी 2 chapter 1 verse. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, दूसरे तिमोथियस की पत्री 2 अध्याय का 1 वचन। इसलिए मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। और एक बार पढ़ेंगे, दूसरे तिमोथियस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन। इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। There is no doubt that as Christians we are mightily graced of God. He has lavished His grace upon us in super abundance. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मसीही होने के नाते हम परमेश्वर के अनुग्रह से सामर्थी बने हुए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के सामर्थ्य बने हुए हैं। उसने हमें उदारता के साथ उसका अनुग्रह हम पर रखा है। बहुत बहुत ज़्यादा महान रीति के बहुतायत के साथ उसने अपना अनुग्रह हम पर रखा है। एन इम्पॉर्टेंट An important question to therefore ask would be, how far can we go with this grace? ज़्यादा ज़रूरी ऐसा जो सवाल उठ सकता है पूछने के लिए, वो हो सकता है ऐसा वो सवाल होगा कि कितनी दूरी तक हम जा सकते हैं इस अनुग्रह के साथ साथ। How much more can we explore this grace? और कितना फैलाव हम बढ़ा सकते हैं इस अनुग्रह का। Our theme verse admonishes us to be strong in the grace that is in Christ Jesus. हमने जो शुरुआती वचन पढ़ा वो हमको कहता है कि आग्रह के साथ वो हमको कह रहा है कि हमने पूरी बल के साथ उस अनुग्रह को अपने अंदर रखना है जो मसीह यीशु में से हमको प्राप्त हुआ है। हम देखेंगे शुरुआती वचन, दूसरा अध्याय उसका पहला वचन। इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। और एक बार पढ़ेंगे, इसलिए है मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। इस प्रकार से बलवंत होने के लिए कहता है ये शुरुआती वचन हमको। आग्रह के साथ वो कह रहा है कि हमने बलवंत हो जाना है उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में हमको मिला है। तो बी स्ट्रॉन्ग इन द ग्रेस ऑफ गॉड is to walk in the fullness of His grace. हमने बलवंत हो जाना परमेश्वर के अनुग्रह में, इसका मतलब यह बनता है कि हमने उसके अनुग्रह में परिपूर्णता के साथ चलना है।
भरपूर हो जाना है, पूर्ण रूप से भर जाना है, पूरी तरह से हमने मजबूत होकर भर जाना है उस अनुग्रह में। In Acts 3, the Bible gives us a perfect example of how we can use the grace of God and produce supernatural results. प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पवित्र बाइबल देता है हमको एक सिद्ध ऐसा उदाहरण किस प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह का हम उपयोग कर सकते हैं और असाधारण नतीजों को हम उत्पन्न कर सकते हैं। Peter and John were going into the temple at the time of prayer and they found a man who was crippled from birth. Petrus aur Yohanna ja rahe the mandir mein prarthna karne ke liye prarthna ke samay mein aur unko mila ek insaan jo apne janm hi se langda tha. The Bible says the beggar who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. Acts chapter 3, 3 verse. प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 3 वचन में पवित्र बाइबल इस प्रकार से उस भिखारी के बारे में बताता है। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय 3 वचन। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पीटर न्यू दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टू पुट द ग्रेस ऑफ गॉड टू वर्क। पतरस ने यह जान लिया कि यह एक बहुत अच्छा अवसर है कि परमेश्वर के अनुग्रह को काम करने देना है। सो ही सेड टू द मैन, Silver and gold have I no none, but such as I have, give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Acts 3 chapter 6 verse. फिर उसने ऐसा कहा उस मनुष्य को जो प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 6 वचन में हम पढ़ सकते हैं। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 वचन। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। बट द मैन डिड नॉट क्वाइट गेट अप। परंतु फिर भी वह मनुष्य जो है वह अपने उठ खड़े होने में सफल नहीं था। Then Peter yanked him up and immediately his ankle bones received strength and the man was healed. परंतु फिर पतरस ने उसको हाथ देकर खींच लिया ऊपर की ओर और फिर तुरंत ऐसा हुआ कि उसके टहनियों में उसके घुटनों के जो बल होता है हड्डियां होती है उसने शक्ति को प्राप्त कर लिया और वह मनुष्य चंगा हुआ। Blessed be God, he placed a demand on the grace of God and it worked. धन्य हो परमेश्वर। देखो यहाँ पर इन लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर मांग को रख दिया और उस मांग के अनुसार, उस मांगने के अनुसार उस अनुग्रह ने काम कर दिया। उस मनुष्य के टखनियों में जो घुटनों के और जो हड्डियाँ होती है टखनियाँ होती है उसने शक्ति को प्राप्त कर लिया। ये काम परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर इन लोगों ने जोर रख दिया था। पतरस ने और यूहन्ना ने उस परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर जोर रख दिया था, उनकी मांग ने को रख दिया था और फिर जो मांगा था उन्होंने वह काम कर गया और वह काम परमेश्वर के अनुग्रह ने कर दिया। This is what you have got to do in your life. यही तो है वह आपको जो करना चाहिए आपके जीवन में। Explore the grace of God in your everyday affairs, in simple matters. Use it.
आप आपके जीवन के अंदर आप खोज निकालिए कि ऐसा कौन सा जो रोज के जीवन में आपको चाहिए अनुग्रह परमेश्वर का काम करना है, जो आपके रोज के काम होते हैं उसके अंदर आपको कौन सी ऐसे काम है आपके रोज के जीवन के जिसमें आपको अनुग्रह परमेश्वर का काम में लाना है। छोटे छोटे साधारण बातों में भी आप उपयोग कर लीजिए अनुग्रह के इस परमेश्वर के इस अनुग्रह को। Depend on it for the results you expect, the positive outcomes you desire in your life, ministry, work, family, business or academics. आप निर्भर रहिए नतीजे के लिए जो आप अपेक्षा करते हैं, उन नतीजों के लिए आप निर्भर रहिए। आप सकारात्मक नतीजा निकलने का इच्छा रखिए आपके जीवन में, सेवा में, काम की जगहों में, परिवार में, आपके व्यापार में या फिर आपके पढ़ाई लिखाई में। ग्रेस प्रमोट्स, अनुग्रह जो है वह आपको उन्नति देता है। ग्रेस लिफ्ट्स, इट विल टेक यू फ्रॉम वेयर यू आर राइट नाउ टू योर नेक्स्ट एंड हायर प्लेस इन एंड विद द स्पिरिट। अनुग्रह आपको ऊंचा उठाता है और वह लेकर चलता है आपको जहां सही जगह पर, जहां पर आपने अभी इस समय होना चाहिए। और आप अभी जिस समय हो, आप जिस जगह में हो, आप उससे ऊंचे पर उठा लिए जाते हैं अगले जगह में, और ऊंची जगहों में आपको लेकर जाया जाता है और आपको पवित्र आत्मा के साथ आप रह लेते हैं। यह सब कुछ अनुग्रह करता है। Remember what he said to the apostle Paul when he, Paul, was in a predicament. याद कीजिए जब पौलुस जो प्रेरित है उसको जो प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया था आने वाली बातों के बारे में, तो कैसा बोला था उसको, वह दूसरे कुरिन्थियों के 12 अध्याय के 9 वचन में लिखा हुआ है। हम पढ़ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को किस प्रकार से आने वाले बात के विषय में बोला था। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसका 9 वचन। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। देखिए और एक बार इसमें से ये भाग लिया है दूसरे कुरिन्थियों के 12 अध्याय के 9 वचन का। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय का 9 वचन में से ये भाग लिया है। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इन अदर वर्ड्स दैट्स व्हाट यू नीड, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यही तो है जो आपको जरूरी बात है, जो आपको चाहिए। Trust the grace of God to help you accomplish God's call and purpose for your life. भरोसा कीजिए परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर कि वह आपकी सहायता करे सब कुछ जो आप पूरा करना चाहते हैं उसमें, जिसमें आपको परमेश्वर ने बुलाहट दी है उसमें, और जो मकसद आपके जीवन के ऊपर रखा हुआ है उसमें आपको भरोसा की करना जरूरी है परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर। उसकी सहायता आपको आपके उद्देश्यों में जो परमेश्वर ने आपके जीवन पर रखी है उसके लिए, और जो बुलाहट परमेश्वर ने आपके ऊपर रखी है उसके लिए जो कुछ भी करना है वो परमेश्वर का अनुग्रह सहायता देकर आपसे करवाएगा। भरोसा रखिए।